हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल एस में मैं आपको जनरल साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे एस एस के हैं या कोई सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं एस एस तो जनरल साइंस जो है वो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है और मैं ये समझती हूँ कि जो जनरल साइंस है जो बेसिक कन्सेप्ट होते हैं साइंस के तो वो हर एक एस्पायरेंट को जनरल साइंस जो है वो उसको कन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जेके एस की बात करें तो हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे फॉरेस्टर का है जैसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का है सुपरवाइजर फीमेल सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है इन सब में जो जनरल साइंस है वो पूछी जाती है तो जो साइंस में आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ उसका लेवल जो है वो बेसिक टू बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊँगी आपको बेसिक टू मॉडरेट रहेगा उसका लेवल ठीक है मैं ये मान के चलूँगी कि न, हर एक एस्पायरेंट जो है वो उसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो उसी लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगी और लेवल थोड़ा हाई भी करेंगे लेकिन जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके हम उसके बाद हम क्या करेंगे लेवल को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिठा लूँ और सिंपल तरीके से आपको समझा लूँ तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट वीडियो को ज़रूर करें आपके कोई भी डाउट्स हैं लेक्चर के बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपको आ, उनको क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे और अगर आपको आ, जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जिस मटेरियल से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं बिल्कुल बेसिक नोट्स बनाए हुए हैं मैंने अगर आपको उसकी पी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपको तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर जनरल साइंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी बायोलॉजी का पहला यूनिट रहेगा हमारा लाइफ प्रोसेसेस तो लाइफ प्रोसेस हम आज शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है आप आ, न, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ में कुछ प्रोसेस करते हैं डेली लाइफ में अपने कुछ प्रोसेस शो करते हैं उनको वो करने ज़रूरी होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेस शो करना ज़रूरी होता है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं और इसमें से चार मेन टाइप्स होती हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करना ज़रूरी होता है या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोसेस शो करते हैं उसमें से पहला है न्यूट्रिशन दूसरा है रेस्पिरेशन तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन तो ये वन बाय वन में आपको सारे प्रोसेस वन बाय वन आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगी और इस पे तीन चार वीडियोस तीन चार लेक्चर्स में ये लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन शुरू करेंगे तो न्यूट्रिशन क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है जो भी खाना होता है लिविंग ऑर्गेनिजम का जो खाने का तरीका होता है या जो वो खाना ऑबटेन करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑबटेनिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिय लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटामिन एट्सट्रा बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग दीज न्यूट्रिय इन ए प्रॉपर वे तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं एक सेकेंड तो क्या समझा आपने न्यूट्रिशन क्या होता है क्या खाना ओब्टेन कर रहे हैं किस तरीके से ओब्टेन कर रहे हैं और किस तरीके से उसको वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिज़म्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना कहाँ से खा रहे हैं क्या खा रहे हैं कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं और जो वो खा रहे हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्या न्यूट्रिशन क्या होता है जो खाना खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं और वो क्या खा रहे हैं उसको हम न्यूट्रंट्स बोलते हैं तो न्यूट्रेंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के न्यूट्रेंट्स जो हैं वो एबजॉर्व करते हैं दो टाइप्स क्या होती हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होता है सामने देख के पता चल रहा है मैक्रो का मतलब होता है मैक्रो का मतलब बड़ा होता है माइक्रो का मतलब होता है छोटा मैक्रो का मतलब होता है कि दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट में जरूरी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और इनमें कैलोरीज होती हैं और ये बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में और जो माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज में स्मॉल अमाउंट में इनको चाहिए होते हैं और ये उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए लेकिन हाँ ज़रूरी होते हैं कुछ चीज़ों के लिए जरूरी होते हैं जैसे आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल डिज़ीज़ हैं तो उनके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं इनमें जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के की आप एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है फास्फोरस है पोटाशियम है सल्फर है मैग्नीशियम है कैल्शियम है और माइक्रो की अगर आप एग्जांपल देखेंगे जैसे जिंक है आयरन है क्लोरीन है एट्सट्रा ठीक है उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स और नॉन एसेंशियल मतलब उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हम नहीं बना सकते खुद से नहीं बना सकते हमारी बॉडी में दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी हम उनको ओब्टेन करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से ठीक है जैसे कि जैसे आयरन है जिंक है बोरान है मैग्नीशियम है कॉपर है मॉलीवेडनम है क्लोरीन है ये एग्जाम्पल्स आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हम लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली उनको कंज्यूम करने पड़ते हैं और नॉन असेंशियल न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं वो बॉडी में ही बनते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से भी ऑबटेन कर सकते हैं हम उनको ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं मिलते हैं एक्सटर्नल सोर्स से भी कंज्यूम uh, कर सकते हैं लेकिन ये बॉडी में भी बनते हैं जैसे कोबाल्ट है सिलीकॉन है सोडियम है एलमियम है लेड एटसेट्रा ठीक है उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन की भी दो टाइप्स होती हैं क्या टाइप्स होती हैं ये डिपेंड करता है कि आप खाना आपको कहाँ से मिल रहा है या आप खाना कैसे खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन उस बेसिस पे बे दो टाइप्स का होता है एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरा होता है हिटेट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना खुद से बना सकते हैं इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं प्लांट्स जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं और एल्गी एलगी जो है वो भी अपना खाना जो है खुद बनाते हैं हिटीरो की अगर हम बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं ये क्या करते हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे या ग्रीन uh, प्लांट्स पे या बाकी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं जैसे एनिमल्स एनिमल्स में हम भी आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम जो एनिमल्स हैं इसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं बैक्टीरिया है फंजाई है यह अपना खाना जो है वो दूसरों से लेते हैं खुद ही अपना खाना नहीं बनाते हैं इनको हिटिरोट्राप्स बोलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को हिटीरो बोलते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हिटीरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक पे चलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको अभी समझाया इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए डिपेंड नहीं रहते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये फर्दर दो टाइप्स का होता है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये नाम देख के या सुन के आपको समझ आ रहा होगा फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिक का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है न्यूट्रिशन ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन तो फोटो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है इसमें ऑर्गेनिज्म खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मतलब जब वो सन को यूज कर रहे हैं सन का मतलब लाइट सॉरी फोटो का मतलब होता है लाइट तो लाइट का इस्तेमाल करके लाइट का यूज़ करके जब ऑर्गेनिजम्स uh, खाना प्रिपेयर करते हैं उसको फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और कीमो का मतलब होता है केमिकल्स या केमिकल एनर्जी तो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके या केमिकल्स का इस्तेमाल करके जब ऑर्गेनिजम्स uh, खाना प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ठीक है ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं है, मैंने जैसे ये ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं पर्पल बैक्टीरिया रेड बैक्टीरिया ग्रीन बैक्टीरिया ठीक है ये सारे ये जो टाइप्स मैंने बैक्टीरिया की यहाँ पे बताई हुई हैं और ऑल ग्रीन प्लांट्स ये सब क्या करते हैं ये लाइट का यूज़ करके खाने को प्रिपेयर करते हैं इसलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉपिक या फ़ोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटो बोलते हैं जो लाइट की प्रसेंस में खाना बनता है उस प्रोसेस को हम फोटो बोलते हैं और अगर केमिकल्स uh, का यूज़ करके जो ऑर्गेनिज़म्स uh, अपना खाना बनाते हैं उसको हम कीमो सिंथेसिस uh, बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम कीमो सिंथेसिस बोलते हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं मैंने सामने जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जैसे आयरन बैक्टीरिया है सल्फर बैक्टीरिया है तो ये सारे बैक्टीरिया क्या हैं ये कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं समझ आ रही है आपको देखिए अगर आपको कोई डाउट बीच में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी तो चलो आगे चलते हैं जैसे मैंने आपको बताया दो मोड्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक के दो मोड़्स होते हैं एक फ़ोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक तो कीमो ऑटोट्रॉपिक उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें फ़ोटो ऑटोट्रॉपिक या जिसको हम बोलते हैं फोटो सिंथिस जिसको हम बोलते हैं ये बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है बेसिक टर्म है जो आपको आनी चाहिए तो फोटो सिंथिस आप सब ने बचपन से सुना ही होगा फोटो का मतलब होता है लाइट एक सेकेंड फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर प्रिपेयर करना लाइट की प्रेजेंस में जब खाने को प्रिपेयर किया जा रहा है सिंथेसाइज किया जा रहा है तो उसको हम फोटोसिथिसिस बोलते हैं और फोटो कौन शो करता है फ़ोटो शो करते हैं ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही ग्रीन प्लांट्स होते हैं बाकी बैक्टीरिया और एलगी हैं तो ये फ़ोटो शो करते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है प्लांट्स सन को यूज करते हैं और सनलाइट लाइट कहाँ से मिलती है सन से वाटर का इस्तेमाल करते हैं वाटर कहाँ से मिल रहा है से क्या होता है प्लांट्स जो हैं वो वाटर जो पानी है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से फिर जाइलम के थ्रू ये पानी ऊपर खींचा जाता है और लीवज़ में पहुंचा पहुँचाया जाता है क्योंकि ये जो फोटोसिंथिस का प्रोसेस है यह लीव में ही होता है लीवज़ को क्या बोला जाता है ल्यूज़ को किचन ऑफ द प्लांट्स बोला जाता है तो ये पानी जो है वो लीव में पहुँचा जाता है जयलम के थ्रू सनलाइट तो बाहर से सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं सनलाइट हमें सन से मिल रही है उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहां से लेते हैं वेट ए सेकेंड हां तो सनलाइट हमें कहाँ से मिल रही है आ, सन से सनलाइट मिल रही है आ, वाटर हमें सॉइल से मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से या एयर से आप बोल सकते हैं जो इजली अवेलेबल होता है प्लांट्स को बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में और वो अंदर कैसे आता है प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं या आप ओपनिंग बोल सकते हैं उनको टाइनी ओपनिंग्स होती हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं स्टोमेटा क्या करते हैं बाहर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं स्टोमेटा और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से ला के वो भी लीव्स में जो है वो लिया जाता है और ये सब चीजें मिलके एक रिएक्शन होता है जिससे ऑक्सीजन क्रिएट होता है और एनर्जी एनर्जी किस फॉर्म में फूड की फॉर्म में खाना खाना है खाना एनर्जी ही है ठीक है तो खाना किस फॉर्म में मिलता है ग्लूकोज की फॉर्म में ठीक है ये हैक्जोस शुगर होता है तो ग्लूकोज बनाता है प्लांट्स जो हैं ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सिंपली मैं आपको आपसे ये कहना चाहूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया एयर से लिया प्लस वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्व किया था ठीक है उनकी रिएक्शन हुई सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में प्लांट्स के जो लीव्स हैं लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनलीज होती हैं क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेलीज के अंदर क्या होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो ग्रीन कलर इंपार्ट करते हैं लीव्स को या प्लांट्स को तो ये क्लोरोफिल क्या करता है ये सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है सनलाइट ट्रैप हो जाती है सनलाइट अंदर जब रिएक्शन होती है तो जो सनलाइट है या जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाते हैं ये ग्लूकोज बनाते हैं सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये क्या है ये ग्लूकोज का फार्मूला है तो फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन यही एक रिएक्शन है इसी एक रिएक्शन में पूरा फोटोसिंथेसिस जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है जो मैंने आपको अभी रिएक्शन बताया ये दो फेजेस में होता है कौन कौन सा फेज़ है सबसे पहले पहला फेज या पहला काम जो प्लांट्स करते हैं वो क्या होता है वो होता है लाइट रिएक्शन ये और दूसरा फेज़ क्या होता है इसका डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन तो सामने पता चल ही रहा है कि लाइट है मतलब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको लाइट रिएक्शन का बताती हूँ कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है लाइट रिएक्शन में सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं एब्जॉपशन ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस ठीक है place, जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट में ठीक है सनलाइट को ट्रैप किया जाता है बाहर से और इसमें क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो वाटर प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो उसका फोटो हो जाता है फोटोलिसिस फोटो photo का मतलब होता है फोटो का मतलब लाइट और लीसिस का मतलब टूटना ब्रेक डाउन होना तो वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में उसको बोलते हैं फोटो लीसिस ऑफ वाटर वाटर इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है क्या मतलब है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन जो आपने सुना ही होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है वाटर जो है वो अपने प्रोटानस लूज कर रहा है या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आइटम जो हैं इसके वो लूज हो रहे हैं तो जहाँ पे प्रोटानस लूज हो जाते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं इट रिलीज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एन ए डी पी एच क्या करता है जब ये रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे केमिकल एनर्जी बनती है जब ये रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकाइड्स कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और थाइलेकाइड्स के अंदर एक रीजन होता है ग्रेना ये रीजन होता है ग्रैना या ग्रैनम जिसको हम बोलते हैं सिंगलर को ग्रैनम और प्लोरल को ग्रैना बोलते हैं तो ग्रैनम के अंदर क्या होता है ये रिएक्शन हाइड्रोलिस ऑफ वाटर होता है मतलब पानी का टूटना जो है वो ग्रैनम के अंदर होता है जब ये टूटता है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है इसकी फॉर्म में ए की फॉर्म में और एन की फॉर्म में ये केमिकल एनर्जी होती है ठीक है ला, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इसके बाद क्या होता है लाइट रिएक्शन जैसे मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है रिएक्शन देख लो आप सामने यहाँ पे वाटर है और वाटर टूट के क्या बना रहा है प्रोटॉन्स बना रहा है मतलब H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है तो जो ऑक्सीजन हमें मतलब बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स को रेस्पायरेशन के लिए जरूरी होती है ये यहाँ पे निकलती है ये आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन निकलती है जो ये एक्सपेल कर देते हैं प्लांट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ से हम ईजली सांस लेते हैं और अपना रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ होती है और इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है ये आने वाली जो दूसरी रिएक्शन है जो सेकंड फ़ेज़ होता है फोटोसिंथेसिस uh, का इस हाइड्रोजन का यूज़ जो है वहां पे होने वाला है तो मैं uh, दूसरी रिएक्शन समझाती हूँ पहला फेज़ आपको समझ आया लाइट रिएक्शन में क्या होता है वाटर का टूटना पानी का टूटना फोटोलिसिस बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ठीक है और ये केमिकल एनर्जी जो है वो दूसरे फेज़ में हम uh, इस्तेमाल की जाती है दूसरे दूसरा फेज़ कौन सा है डार्क रिएक्शन जो मैंने आपको अभी समझाया वेट ए सेकेंड हाँ जी सामने दिख रहा आपको डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं होती है डार्क का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में हो रही है ऐसा कुछ नहीं है ये होती डे टाइम में भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे लाइट अब जरूरत लाइट की मतलब सनलाइट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इसको मिल गई है और वो कौन सी एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है जो पहली रिएक्शन में रिलीज हुई थी वो एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है इसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा के थ्रू अंदर आया था अब उसकी रिएक्शन करवानी है हमने हाइड्रोजन के साथ ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है गेन ऑफ ये प्रोटॉन्स बोल सकते हैं आप गेन ऑफ प्रोटान्स को हम रिडक्शन बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन होती है ये कौन से क्लोरोप्लास्ट uh, का एक और रीजन होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं तो ये जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है इट यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी सो प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज ठीक है और ये वो केमिकल एनर्जी को यूज़ uh, करता है जो uh, पिछली रिएक्शन में जो हमने फर्स्ट फेज में देखा केमिकल एनर्जी रिलीज़ हो रही थी ये सेकेंड स्टेप में यूज़ हो जाती है हाइड्रोजन को टेकअप करता है कार्बन डाइऑक्साइड और यो uh, ये दोनों मिल क्या बनाते हैं ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं ये सी ठीक है तो ये ओवरऑल uh, प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का ये दो स्टेजेस में होता है कौन सा स्टेज कौन कौन सी स्टेज है ये दो फेजेस में होता है पहले लाइट रिएक्शन होती है फिर डार्क रिएक्शन होती है ठीक है तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस आगे मैं uh, थोड़ा सा एक आपको इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि uh, जो जीरो फिटिक प्लाट्स होते हैं ज़ीरो फिटिक प्लाट्स uh, वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में या जो लैक ऑफ वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं डेजर्ट आप समझते हैं रेगिस्तान में जहाँ पानी uh, की कमी होती है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है तो उन प्लांट्स को हम जीरो फिटिक प्लांट्स बोलते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दे शो स्लाइट डिफरेंट फिन फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनमें लीव्स नहीं होते हैं लीव्स क्यों नहीं होते हैं लीव्स अगर इनमें होंगे तो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा और जो इनके लिए अच्छा नहीं होता है तो इनकी जो स्टेम होती है वही का क्या होती है एनलार्ज हो जाती है थोड़ी मॉडिफाइड टाइप की स्टेम होती है इनमें एनलार्ज हो जाती है और आ, जो क्लोरोप्लास्ट होते, है, होते हैं सॉरी जो क्लोरोफिल है है, होते हैं क्लोरोप्लास्ट भी मान सकते हैं हम क्लोरोप्लास्ट भी उसके अंदर होते हैं और क्लोरोफिल भी जो है उस पोर्शन में कुछ पोर्शन जो स्टेम का है वो एनलार्ज हो जाता है थोड़ा मॉडिफाइड हाँ हो जाता है ग्रीन कलर का होता है तो वही पोर्शन जो है वो लीव्स का काम करता है और फोटोसिंथेसिस का काम भी वही पोर्शन ऑफ स्टेम करता है ठीक है तो इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं इस स्टेम में लेकिन वो स्टेम स्टोमेटा uh, जो होते हैं वो डे टाइम में नहीं खुलते हैं क्यों नहीं खुलते हैं क्योंकि डे टाइम में डेजर्टेड जो एरिया होते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और लैक ऑफ वाटर होता है मतलब पानी की वहां पर कमी होती है तो अगर स्टोमेटा डे टाइम में खुलेंगे तो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा जो इसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि ये वाटर लूज नहीं करना चाहते अपने क्योंकि पहले ही इनके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होता है पानी की कमी होती है तो स्टोमेटा डे टाइम में ओपन करेंगे तो पानी की कमी जो है ये ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए डे टाइम पे ये अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं तो नाइट जब रात आती है तो तब क्या करते हैं जीरो फिटिक प्लांट्स तब क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और जब ये स्टोमेटा खुलते हैं तो ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि अभी रात है तो सन तो अवेलेबल नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्होंने एबजॉर्ब कर लिया है लेकिन ये ऑक्सीजन ये ग्लूकोज में इसको तो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइट की प्रेजेंस तो ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात को एब्सार्व करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में स्टोर करके रखते हैं और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम है मैलिक एसिड ठीक है क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ये एबजॉर्व करते हैं और मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और फिर क्या होता है जब डे टाइम आता है डे टाइम में क्या करते हैं ये मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि सनलाइट आती है तो ये मैलिक एसिड जो है वो ग्लूकोस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ये था ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंट फिनामा होता है इसके बाद मैं आपको एक जनरल रिएक्शन सामने आपको दिख रही होगी जनरल रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो बाहर से लिया हुआ है स्टोमेटा के थ्रू वाटर है जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है और जाइलम ने ऊपर पहुंचाया हुआ है लीव्स में उसके बाद सनलाइट तो बाहर से ट्रैप की जा रही है और क्लोरोफिल है तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं ग्लूकोज बना रहे हैं सी सिक्स ओ सिक्स ये ग्लूकोज का फार्मूला है और प्लस क्या हो रहा है ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ऐसे इस प्रोसेस से रिलीज़ हो रही है आगे में थोड़ा सा मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश की है जैसे ये प्लांट्स हैं एक प्लांट दिखाया गया है इसके यहाँ पे रूट्स हैं तो रूट क्या कर रहे हैं सॉइल से पानी को एब्जॉर्व कर रहे हैं ये वाटर है ये H2O टू ओ वाटर है और ये यहाँ से जाइलम के थ्रू ऊपर जा रहा है ठीक है जाइलम एक्चुअली है कि जाइलम जो है वो वैस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है तो जाइलम के थ्रू ये पानी जो है वो लीव्स में यहाँ पे पहुंच रहा है तो लीव्स में बाहर से क्या कर रहा है क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर रहा है और यहां से स्टोमेटा क्या कर रहे हैं स्टोमेटा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ रहे हैं ठीक है, है? एबजॉर्ब कर रहे हैं तो ये रिएक्शन जब होती है एक सेकेंड ये रिएक्शन प्लांट में होती है और प्लांट में जाके ये ग्लूकोस ये सारे जो मैंने आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड है तो सनलाइट वगैरह ये सब क्या है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है हमारा ग्लूकोज सी सिक्स एच टिक्स ये ग्लूकोज क्या है यही प्लांट्स का खाना है और ये जो प्लांट्स जब ग्लूकोज बनाते हैं तो फिर ये अपने प्लांट्स अपने अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टार्च की फॉर्म में ये इसको अपने अंदर स्टोर करके कर रखते हैं और यही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है मतलब हीटेरोड्राफ्स के लिए भी यही खाना जो है वो अवेलेबल होता है जो प्लांट्स बनाते हैं आगे मैंने आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको जैसे एक मैंने लीफ दिखाया है तो लीफ के अंदर क्या होता है एक ऑर्गेनली होती है या ऑर्गेनल आप बोल सकते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक होता है ठीक है उसके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं थाइलेकैड्स और थाइलेकाइड्स के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेना और एक और रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं तो ये सारे रीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अलावा लीव में क्या होता है लीव्स में दोनों साइड अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड क्या होता है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा होते क्या हैं ये एक ओपनिंग होती है ठीक है टाइनी ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को कौन इंक्लोज करता है दो किडनी शेप सेल्स ठीक है किडनी शेप सेल्स होते हैं उनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं इस पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं और गार्ड सेल्स के बाहर जो ये सेल्स बाकी सेल्स हैं इनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं ठीक है तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है स्टोमेटा का यहाँ पे देखो सामने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है कब स्टोमेटा ओपन होगा कब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ये कौन इसको कौन आ, मतलब डिसाइड करेगा जब पानी क्या है गार्ड सेल्स में भर जाता है जो आपको मैंने किडनी शेप सेल्स बताए जब इन सेल्स में पानी भर जाता है बाहर से तो उसको हम बोलते हैं एंडोसमोसिस उसको क्या बोलते हैं एंडोसमोसिस इस प्रोसेस को हम एंडस्मोस बोलते हैं जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है गर, आ, पानी भरने की वजह से गार्ड सेल्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं फूल जाते हैं और ये जब फूल जाते हैं तो ये पोर जो है वो अपीयर हो जाता है जो ओपनिंग है वो अपीयर हो जाती है और उस उस टाइम क्या होता है स्टोमेटा ओपन हो जाता है जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अब्सॉर्ब कर लेता है और अंदर जो ऑक्सीजन बनी थी उसको एक्सपेल कर देता है बाहर बाहर फेंक देता है तो इसको हम बोलते हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ठीक है फिर क्लोज कब होता है जब पानी लॉस हो जाता है गार्ड सेल्स में से पानी बाहर चला जाता है उसको हम एंडोसमोसिस बोलते हैं एंडोसमोसिस होने की वजह से क्या हो जाता है गार्ड सेल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं सिकुड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये ओपनिंग जो होती है वो बंद हो जाती है और इसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ स्टोमेटा और इस टाइम पे नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ठीक है गैसेस का एक्सचेंज होना जो है वो यहाँ पे बंद हो जाता है तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो कि जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया लीफ के बारे में कि लीफ के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ये मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए जहाँ पे ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हेल्पफुल होता है और इसमें थाइलेकाइड और स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये था अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स शो करते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं कुछ बैक्टीरिया हैं और एल्गी हैं वो सब क्या करते हैं आटोट्रॉपिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो फोटो सिंथिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी दो फेजेस में होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मैंने आपको समझाया और ये भी आपको मैंने समझाया कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वाटर कहाँ से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है तो अब हम बात करते हैं हिटिरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हिटीरो मीन्स हिटीरो, हिटीरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन ठीक है तो इसका क्या मतलब है हिटिरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फूड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हिटीरो ठीक है इसमें क्या क्या ये ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं इनको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों पर और इसकी एग्जाम्पल है एनिमल्स एनिमल्स में हम भी आते हैं ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर भी आते हैं और फंजाई ठीक है फनजाई भी क्या है हैटीरोटीरोप में आती है ठीक है ये जो हिटीरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी फर्दर थ्री टाइप्स का होता है तो ये डिपेंड करता है कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना कैसे या कहाँ से ले रहे हैं उसके बेसिस पे फर्दर ये तीन टाइप्स का होता है एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और तीसरा होता है पैरस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है इसमें सिंपली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं खाना बाहर से खाना लेते हैं और खाते हैं सिंपली जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हम कैसे खाना खाते हैं चाहे हम आ, हम आ, अपना खाना जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनसे आ, मतलब एक्वायर करते हैं लेकिन खुद नहीं बनाते हैं लेकिन हम उसको सिंपली इंजेस्ट कर देते हैं बाकी एनिमल्स हैं जैसे cow है जैसे गोट है जैसे अमीबा है अमीबा क्या है ये प्रोटीस हैं ये सिंपलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये भी क्या करते हैं ये भी अपना खाना जो है वो सिंपली इंजेस्ट करते हैं इनमें कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है सिंपली इंजेस्ट करते हैं तो इनको इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं ठीक है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके फर्दर कुछ टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स को फर्दर तीन चार क्लासेस में बांटा गया है जिसमें आता है हारबिवोर्स हारबिवोर्स क्या होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं जो प्लांट्स को या प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं दे ईट ओनली प्लांट्स ठीक है जैसे इसमें एग्जाम्पल आती है जैसे कौ है गोट है हॉर्स है ठीक है उसके बाद है कार्निवोर्स कार्निवोर्स क्या होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स uh, होते हैं जो हार्बीवोर्स पे फीड करते हैं ये इन पे फीड करते हैं ठीक है इसमें क्या एग्ज़ाम्पल आगे जैसे फॉक्स है लाइन है टाइगर है ये क्या करते हैं ये मीट खाते हैं ठीक है ठीके? मतलब वो हारबीवोर्स को खा रहे हैं ये प्लांट्स को नहीं खा रहे हैं तो जो मीट खाते हैं जो हारबिवोर्स को खाते हैं उनको हम कारवोर्स बोलते हैं फिर तीसरी टाइप है ओमनीवोर्स ओमनी वोर्स में दोनों दोनों का मतलब क्या है ये हार्बीवोर्स को भी खा रहे हैं और प्रोड्यूसर्स को भी खा रहे हैं मतलब प्लांट्स को भी खा रहे हैं और हार्बीवोर्स को जैसे ह्यूमस की अगर आप लेते हैं तो ह्यूमन क्या करते हैं ह्यूमन्स शीप को भी खाते हैं गोट को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोर्स भी कहा जाता है एक लास्ट टाइप होती है स्क्वेंजर्स स्क्वेंजर्स जो है ये टॉप लेवल ट्रॉपिक लेवल पे भी आता है स्क्वेंजर्स क्या होते हैं इसकी एग्जाम्पल है, जैसे एंट है काइट है वल्चर है ये क्या करते हैं जो एनिमल्स uh, uh, होते हैं उनके जो डेड रिमेन्स डेड पार्ट्स रहते हैं उन पर फीड करते हैं तो उनको हम स्क्वेंजर्स बोलते हैं और इनका होना भी एनवायरमेंट में ज़रूरी होता है ठीक है आगे हम चलते हैं दूसरी टाइप पे दूसरी टाइप क्या है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं डेड और डिगेइंग मैटर पे ठीक है सड़े गले जो सड़ा गला मटेरियल जो होता है उस पर यह फीड करते हैं जैसे बैक्टीरिया है फनजाई है ठीक है तो ये उस पर फीड करते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई फनजाई है ठीक है फिर तीसरी टाइप क्या है वेट सेकेंड तीसरी टाइप क्या है पैरास्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं एज ए पैरासाइट पैरासाइट आपको पता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं ठीक है इसमें एग्जांपल है कुस्कुटा प्लांट होता है टेप वार्म है ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे जैसे लाइस है तो ये क्या करते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए पैरासाइट और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर ही फीड करते हैं ठीक है खुद का ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं और दूसरे प्लांट्स को ही उनके ऊपर रह के ही रहना भी उधरी और खाना भी उधरी से ओप्टेन करना है इनको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे चलते हैं अब ये तो आपने समझ लिया हिटीरोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रेंट्स के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया फिर मैंने फोटो वोटोट्रॉपिकोट्रॉपिक का, भी आपको बता, दिया। का भी बता दिया कि तीन टाइप्स होती हैं अब ये जो लिविंग uh, ऑर्गेनिजम्स खाना खा रहे हैं तो खाना एक्चुअली होता क्या है ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं न्यूट्रिएंट्स में ये होता क्या क्या चीज़ें जो लिविंग uh, ऑर्गेनिजम्स को खानी ज़रूरी होती हैं अपनी मेनटेनेंस uh, के लिए बॉडी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं कौन से ऐसे न्यूट्रेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को खाने चाहिए तो कुछ न्यूट्रेंट्स मैंने यहाँ पे जो बेसिक न्यूट्रेंट्स या जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट एनिमल्स को जरूरी होते हैं उसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोकार्बेंट्स भी कहा जाता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ठीक है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं मोनोसेक्राइड्स डाई और पॉली ठीक है इसके बाद दूसरी टाइप है फैट्स फैट्स क्या होता है फैट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट यू गेट फ्रॉम योर डाइट ठीक है ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है जो आपको अपनी डाइट से मिलता है फैट्स दो टाइप्स के होते हैं सैचुरेटेड और अनसेचूरेटेड फ़ैट्स ठीक है ये इनके सिंथेसिस पे डिपेंड करता है सैचुरेटेड या है एक और टाइप होती है आ, एनिमल फ़ैट और वेजिटेटिव फ़ैट एनिमल फ़ैट आपको पता है जो एनिमल्स से मीट वगैरह जो आपको मिल से मिलता है आपकी डाइट से मिलता है और वेजिटेटिव फ़ैट्स भी आपको पता ही है जैसे कुछ ऑयल्स वगैरह हैं वनस्पति ऑयल वगैरह आपने सुना होगा घी तो वो क्या है ठीक है अमायनो एसिड्स क्या होते हैं ये सिंपल फॉर्म्स होती हैं और ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं और एक दूसरे से ये पैप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं पैप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं इसीलिए इनको पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है तो इनमें अमाइनो एसिड्स में होता अमायनो एसिड्स या प्रोटीन्स किसके बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के ठीक है प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है फिर नेक्स्ट uh, टाइप क्या है वाइटामिन वाइटामिन भी है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन uh, बींग्स या एनिमल्स uh, को स्मॉलर क्वांटिटीज में नीडेड होते हैं उनकी बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है ठीक है तो ये भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं क्योंकि वाइटामिनस का एक आ, सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में मैंशन में किया हुआ है तो इसको हम डिटेल में एलब्रेट वे में हम अलग से इसका एक लेक्चर में आपको अलग से इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी तो अभी आप सिर्फ ये जान लो कि वाइटामिन जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं वाटर सॉलेबल और फैट सॉलेबल ठीक है वाटर सॉलेबल व वाइटामिन कौन से होते हैं वाइटामिन बी और सी और फैट सॉलेबल वाइटामिन ए डी एंड की होता है उसके बाद वाटर सबको पता है वाटर जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उसकी ज़िंदा रहने के लिए वाटर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वाटर हर एक प्रोसेस में ज़रूरी होता है और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सेवेंटी परसेंट जो है ह्यूमन्स में वाटर प्रजेंट होता है उसके इसके अलावा कुछ मिनरल्स जो हमें लेने पड़ते हैं बाहर से उनकी भी ज़रूरत होती है हमारी डाइट में जैसे कैल्शियम है फास्फोरस है मैग्नीशियम है सोडियम है पोटाशियम एक्सेट्रा ठीक है रफेज रफेज क्या होता है ये एक ये भी कुछ सब्सटांस होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटांस होते हैं जो एडिबल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं लेकिन इनडाइजेस्टिबल होते हैं जैसे होल ग्रेन्स हैं सीड्स हैं लगीम्स हैं फ्रूट्स हैं तो ये सब हमारा क्या बनाते हैं ये सब हमारा न्यूट्रियस का एक पार्ट है ठीक है अब जो हिटिरोट्रॉपिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि आ, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं जो सिंपली खाना इन, इंजेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो जब ये खाना हमने ऑबडेन कर लिया अब खाना खा लिया तो उसको डाइजेस्ट कैसे करना या वो डाइजेस्ट कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर तो थोड़ा सा कंसेप्ट उसका बताऊंगी मैं आपको डाइजेशन ऑफ एबजॉर्ब फूड इन द ह्यूमन बींग्स ठीक है द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्राम माउथ जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड हो जाता है और ये सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है माउथ से शुरू होता है एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब ट्यूब की तरह एक लंबी ट्यूब होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल इज कैनाजे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम जो माउथ से एक्सटेंड करती है जिसको हम एंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं माउथ को हम एंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं और एनस पे जाके एंड होता है एंड एनस को हम क्या बोलते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग ठीक है दो ओपनिंग होती है एक एक्सटीरियर सॉरी एंटीरियर ओपनिंग होती है जिसको माउथ को हम एंटीरियर ओपनिंग बोलते हैं दूसरा होता है एनस जिसको हम पोस्टीरियर ओपनिंग बोलते हैं और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये एंटीरियर ओपनिंग से शुरू होता है और पोस्टीरियर ओपनिंग तक ख़त्म होता है ठीक है तो इसी यही जो रास्ता बताया मैंने आपको इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ठीक है, है? एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है नीचे तो एलिमेंट्री कैनाल जो है सबसे पहला पार्ट जो इसका आता है वो आता है माउथ तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है क्योंकि खाना जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन जब खाना ओब्टेन करते हैं तो सबसे पहले खाना जो है वो माउथ में जाता है माउथ में क्या हो जाता है जो कम्प्लेक्स uh, खाना होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है वो टूट जाता है उसको च्यू करते हैं हम ठीक है टीथ की हेल्प से च्यू करते हैं चबाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेस्टिगेशन क्या बोलते हैं मेस्टिगेशन खाने खाना जब चबाते हैं उसको बोलते हैं मेस्टिगेशन खाना चबाते हैं तो थोड़ा सिंपलर फॉर्म में उसको ताकि हम उसको स्वेलो कर सकें तो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से कैसे शुरू हो रहा है जो मोथ में सलाइवा होता है थूक जिसको हम बोलते हैं सलाइवा क्या होता है इस खाने को मॉइस्ट कर देता है ठीक है मॉइश्चर कर देता है जिस और सलाइवा के अंदर सलाइवरी इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे अमाइलेस है जैसे लाइपेस है अमाइलेस का काम क्या होता है जो हम खाना खा रहे हैं ओबियसली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्योंकि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब कुछ प्रेजेंट होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ने के लिए अमाइलेस इंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में और लिपिड्स हैं फैट्स वगैरह हैं तो इनको तोड़ने के लिए लाइपेस इंजाइम जो है वो यहाँ पर एक्ट करता है के ऊपर तो एस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है लाइपेस लिपिड्स को तोड़ता है फैटी एसिड्स में ठीक है और कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल शुगर में टूट जाता है तो मौथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है फिर दूसरा पार्ट क्या आता है इसमें ईसोफेगस ईसोफेगस क्या होता है ये हमारे गले के नीचे से थोड़ा नीचे एक पोर्शन होता है एक ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मस्कुलर ट्यूब होता है जो फूड को गले से नीचे उतारता है और पेट में जो स्टॉमक में पहुँचाता है ठीक है जो स्टॉमक में खाने को पहुँचाता है तो इसका साइज़ जो है यूजली ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ईसोफेगस का ठीक है अडल्ट में ठीक है अडल्ट में ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग इसका साइज़ होगा और ईसोफेगस का फंक्शन क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और खाने को कंट्रैक्ट करने से खाना जो है वो मूव करता है नीचे की तरफ और नीचे पेट में या स्टोमक स्टोमक में जाके खाना पहुंच जाता है ठीक है अब आते हैं हम स्टोमक के ऊपर स्टोमक क्या है स्टोमक एक पाउच शेप्ड ऑर्गन होता है पाउच की तरह एक ऑर्गन होता है ईसोफेगस से नीचे होता है ठीक है पाउच की तरह दिखता है ये और इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम ये एच सी एल क्या करता है क्योंकि स्टोमक में स्टोमक में भी बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसको हम बोलते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं तो ये जो एसिड जो है ये रिलीज करता है स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल ये क्या करता है पैप्सिन इंजाइम पैप्सिन इंजाइम प्रेजेंट होता है स्टोमक में उसको एक्टिवेट कर देता है ठीक है यह पैप्सिन इंजाइम का काम का क्या होता है हमने जो न्यूट्रिएंट्स लिए उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं ठीक है तो इन प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए पेप्सिन इंजाइम का, का काम होता है पैप्सिन इंजाइम को सॉरी पेप्सिन एंजाइम क्या करता है प्रोटीन्स को तोड़ देता है तो यहाँ पे क्या होता है जो फर्दर क्या होता है खाने को सिंपलर फॉर्म में थोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है स्टोमक के अंदर भी जाके ठीक है और स्टोमक में क्या होता है ये खाना जो होता है वो पानी के साथ मिल जाता है वाटर के साथ मिल जाता है और जब ये खाना पानी के साथ मिल जाता है और जो ये वहां पर मटीरियल बनता है उसको हम कायम बोलते हैं ठीक है कायम बोलते हैं और ये कायम क्या करता है फिर फर्दर यहाँ से नीचे की तरफ पुश करता है और ये स्मॉल इंटस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटस्टाइन में क्या होता है जो फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं अब जो क्योंकि अभी तक हाफ ऑफ डाइजेशन हो चुका है कार्बोहाइड्रेट्स टूट चुके हैं प्रोटीन्स वगैरह अभी एब्जॉर्पन नहीं हुआ है अभी डाइजेशन हो रहा है अभी सिंपलर फॉर्म में खाने को सिंपलर फॉर्म में लाया जा रहा है ठीक है तोड़ा जा रहा है तो स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा फाइन मतलब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो ये खाना जो है ये कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिया जाता है नीचे नेक्स्ट देखते हैं स्माल इंटस्टाइन स्माल इंटस्टाइन वो पोर्शन है वो जगह है जहाँ पर खाने uh, जो भी हमारे uh, खाने में जो भी हमारे न्यूट्रेंट्स थे असेंशल न्यूट्रेंट्स थे उनको कैसे एब्जॉर्ब करना है वह स्माल इंटस्टाइन में सारा प्रोसेस होता है ठीक है फूड इज़ फर्दर ट्रीटेड विद वेरियस इंजाइम जैसे इसमें बाइल जूस होता है पेनक्रियाटिक इन्जाइम्स हैं ठीक है, है? यह सारे इन्जाइम्स यहाँ पर एक्ट करते हैं काइम के ऊपर ठीक है उसके ऊपर एक्शन करते हैं और उसको और फर्दर सिंपलर फार्म में तोड़ते हैं ठीक है और वहाँ से क्या करते हैं न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स कहाँ होते हैं जो जो हमारी स्मॉल इंटास्टाइन होती है तो इसकी जो वॉल्स होती हैं इनके इनकी जो लाइनिंग होती है ये वॉल्स हैं ठीक है ये अंदर से वॉल्स हैं तो यहाँ से ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स क्या करते हैं यहाँ से ये एबज़ॉर्ब कर लेते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रिलीज़ हो गए हमारे खाने से इनको एबजॉर्ब करते हैं और पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हमारे सारे पोर्शन को होती है तो यहाँ से ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो न्यूट्रेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में पहुँच जाते हैं तो स्मॉल इंटस्टाइन में ये एबजॉर्बशन होता है अब ये जो स्मॉल इंटस्टाइन होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है ड्यूडिनियम एक होता है जीजनियम एक होता है ईलियम ड्यूडिनियम में क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एबजॉर्ब होते हैं सिंपली याद रखना है ऊपर वाला पोर्शन होता है ड्यूडिनियम जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होते हैं जिजनम वो पोर्शन होता है जहाँ पे फैटी एसिड्स अमाइनो एसिड्स या आप बोल सकते हैं प्रोटीन्स का एब्जॉर््शन यहाँ पे होता है और एलियम में क्या होता है वाइटामिन बी ट्वेल्व का एबजॉर्प्शन होता है बाइल सॉल्ट हैं या बाकी जो प्रोडक्ट जो अभी तक इन दोनों में एब्जॉर्ब नहीं हुए वो एलियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है फिर जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है या लेफ़्ट ओवर अनडाइजेस्ट मटेरियल जो रहता है वो लार्ज इंटस्टाइन में चला जाता है ठीक है लार्ज इंटस्टाइन क्या है इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं कोलन रेक्टम और एनल कैनाल ठीक है लार्ज इंटस्टाइन के तीन प्राइमरी फंक्शन होते हैं पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो लेफ्ट ओवर मटेरियल था अभी उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बचे हैं कुछ ठीक है ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको एब्जॉर्व करता है कौन लार्ज इंटस्टाइन ठीक है पहला फंक्शन क्या है इसका कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है दूसरा फंक्शन है वाइटाम्स को प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब करता है और तीसरा फंक्शन है जो हमारा जो फीसिस फीसिस क्या होता है जो वेस्ट ओवर मटेरियल है अब अब इसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर ये लेफ्ट ओवर मटेरियल है वेस्ट मटेरियल है ठीक है ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है इसको हमने बॉडी के बाहर फेंकना है एक्सक्रीट करना है तो यही लास्ट वाला फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन करता है इ, इन फीसज को बनाता है और प्रोपेल करता है किसकी तरफ रेक्टम की तरफ और रेक्टम के थ्रू रेक्टम से ये एनस के थ्रू बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है और यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में कोई दिक्कत है वॉइस में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और कोई भी डाउट आपको बीच में आ रहा है कोई चीज़ मेरे से स्किप हुई है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें मैं आपको वो सारा क्लियर करवा दूँगी कमेंट में बता देना आप मुझे थैंक यू सो मच